नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटौत के संगम चौक में आज श्री अखंड नवदा रामायण के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु गढ़ बड़ी संख्या में उत्साह पूर्वक भाग लिए। इसमें श्रद्धालु अपने अपने कलश को सजा करके नारियल रख करके कतारबद्ध तरीके से जल भरने के लिए गए, जहां कलश यात्रा में जसगीत गायक के विभिन्न समूह के द्वारा संगीत भी गाया जा रहा था। यह कलश यात्रा देखने में बहुत ही मनोरम एवं सुंदर लग रहा था। इस कलश यात्रा में बच्चों के साथ साथ महिलाओं ने भी कलश यात्रा में भाग लिए। महाराज के द्वारा विधिवत पूजन करके कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए जल भरे। सभी कलशधारियों ने अपने अपने कलश में जल भर करके जहां नवदा होना था वहां सभी पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना करके श्री अखंड नवदा रामायण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री अखंड नवदा रामायण एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, जिसमें श्री रामायण की कथा का बखान संगीतमय व टीकाकरण के माध्यम से श्रोताओं को आनंदित करके करते हैं। इसमें श्री रामचंद्र के द्वारा मर्यादा में रहकर पुत्र पति भाई एवं राजा के कर्तव्य को कैसे निर्वहन करना है उसे विधिवत बताया गया है। इसके माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है, चाहे बुराई कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।